ठीक इनकी गंगा जैसी। क्या कहा? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी गंगा को मारा हुआ कहने की? हाँ? गंगा नहीं मर सकती है, गंगा नहीं मर सकती है। और इस बात का सबूत मैं खुद हूँ। अगर गंगा मर जाती ना तो सागर की सांसें भी रुक जाती। और मेरे जिंदा होने का मतलब यही है कि गंगा भी जिंदा है, समझे तुम? समझे? अरे गंगा को मरा हुआ नहीं बोला, समझे तुम? सागर जी, अरे होश में आइए। गंगा नहीं मर सकती। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गंगा नहीं छोड़ के गई। वो जिंदा है, लेकिन आप होश में आइए। जब तक हम लाश को देखते नहीं, उसे पहचानते नहीं, आंसू बहाने का, दुख बनाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा घूम जाइए। शक्ति से लेफ्ट आइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गंगा को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। हाँ गलत। देखिए जब तक हम उनका लाश देख नहीं लेते, उनको पहचान नहीं लेते, दुख बनाने का, आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। सागर जी बात समझिए हमारा। वो अभागा लड़की जो मिला है वो गंगा नहीं हो सकता। हाँ या ना का मोहर लगाने से पहले हमको लाश देखना होगा, पहचानना होगा। उसके लिए हमें जाकर लाश को देखना है। मुनीम जी आप लेकर चलिए। कहाँ मिला आपको लाश? चलिए आइए, जल्दी आइए। फिलहाल मैं तो गंगा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ टिपिकल डेली सोप की सास जो होती है, जो चाहती है वही चाहती हूँ कि मेरा जो सगा बेटा है उसको प्रॉपर्टी मिले, वो मठाधीश बन जाए। और इसी के लिए मेरा जो कंटिन्यूअस फाइट है वो वही चल रहा है। किसी भी हाल में मुझे गंगा और शिव को मठाधीश की पदवी से मुझे हटाना है, और शिव और गंगा को घर से बाहर निकाल देना है। देखना भी नहीं चाहती। कितनी साजिश की है आपने अभी तक? बहुत सारी, काउंटलेस। कामयाब हो जाऊँगी तो सीरियल खत्म हो जाएगा। अभी मैं कामयाब नहीं होना चाहती। तो और क्या क्या चल रहा है सीन में? बहुत कुछ, क्योंकि ड्रामा बहुत है। हर बार कुछ ना कुछ नया ड्रामा। अब गंगा की लाइफ में उसका पहला पति सागर, वो भी आ रहा है, तो वो कल्मिनेशन कैसे होगा उस ट्रैक का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई एम श्योर ऑडियंस उसी के लिए देख रही होगी कि वो कल्मिनेशन कैसा होगा। वो है तस्वीर जो ऑफिस से कहीं गायब हो गई थी। सिर्फ बहुत परेशान था। वो तस्वीर है ये। अब देखिए शिव के मठ, ये तस्वीर जो शिव के मठ वाले ऑफिस से कहीं गायब हो गई थी। सिर्फ बहुत परेशान था इसको लेकर। ईश्वर का लीला तो देखिए, आपकी पत्नी आपको मिल गई। हमारा मतलब है आपकी पत्नी की फोटो मिल गई।